एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने सत्ता की साझेदारी पॉलिटी क्लास 10th का चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट करा दिया था, अब हम इसका दूसरा पार्ट कराने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने सत्ता की साझेदारी से संबंधित कुछ बातें पढ़ी थी, जिसके विषय में हमने अभी इससे पहले श्रीलंका के विषय में पढ़ा था कि किस प्रकार से वहाँ पर समस्या क्रिएट होती है, सिंगली भाषी द्वारा किस प्रकार से तमिल भाषा के लोगों को दबाया जाता है। अब हम बेल्जियम के विषय में पढ़ेंगे, आइए चलते हैं। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया था। जैसा कि हमने देखा, श्रीलंका में क्या होता है कि जो सिंगली भाषा के जो लोग होते हैं, जिनकी संख्या अधिक होती है, वो तमिल भाषा के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमिल भाषा के लोगों की संख्या वहाँ पर क्या थी, कम थी। तो संख्या कम होने के कारण उनकी हितों को, यानी कि तमिल के लोगों के हितों को अनदेखा कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी और वहाँ पे गृह युद्ध भी छिड़ गया था। तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। यानी क्या ना, कहने का मतलब क्या है, जो बेल्जियम के जो नेता थे, वो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ पर डच, फ्रेंच और जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो डच भाषा के लोग, जिनकी संख्या ज़्यादा थी, यानी कि जो संख्या में ज़्यादा थे, उन्होंने अल्पसंख्यक भाषा वाले लोगों के हितों की तरफ ध्यान दिया, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ पर हमें, यानी कि बेल्जियम में हमें फ्रेंच और जर्मनी के लोगों का, फ्रेंच और जर्मनी भाषा के लोगों के हितों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने संविधान में चार संशोधन किए, इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की, वह बहुत ही कल्पनाशील है। कहने का मतलब क्या है, जब अब जो डच के जो लोग थे या नेता थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि देश में जो है सांस्कृतिक विविधता है, इसलिए उन्होंने जो है अपने संविधान में संशोधन किए थे, और इसके लिए उन्होंने चार संशोधन किए थे, जिससे कि जो अल्पसंख्यक लोग थे, कौन, फ्रेंच फ्रेंच बोलने वाले और जर्मनी भाषा बोलने वाले, उनको ऐसा ना लगे कि वो किसी दूसरे देश में हैं, उन्हें अपने ही देश में बेगानेपन का एहसास ना हो, जैसा कि तमिल भाषा के लोगों को श्रीलंका में हो रहा था, और सभी मिलजुल कर रह सके। अब आते हैं, बात करते हैं इसमें। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि जो केंद्र सरकार बनेगी, उस केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। जो केंद्र सरकार बनाई जाएगी, केंद्र सरकार में जो मंत्री बनाए जाएंगे, उन मंत्रियों की संख्या डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले दोनों मंत्रियों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। और कहा गया कि कुछ विशेष परिस्थिति में अगर कोई कानून बनाया जाता है, तो उस कानून को बनाते समय दोनों भाषा, यानी कि फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों के समुदायों का हितों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये फैसला जो लिया जाएगा, केवल एक तरफा फैसला नहीं होगा। आगे कहा गया कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। कहने का मतलब क्या है, केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ थी, उसमें से कार्य शक्तियाँ जो है, कई सारी शक्तियाँ राज्य सरकार को दे दी गई, जो डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के या क्षेत्र में जो सरकारें बनी थी, उनको, उन शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, इसमें एक अलग सरकार है। यहाँ पर जो सरकार बनी है, उस सरकार में फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले दोनों ही प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, और इस बात को स्वीकारा भी गया है। तो ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। क्योंकि जो है, जो ब्रुसेल्स था, ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, तो फ्रेंच भाषी लोग थे, उन्होंने जो सरकार बना रखी थी यहाँ पर, उसमें भी उन्होंने डच भाषा लोगों को प्रतिनिधित्व दिया था, क्योंकि डच भाषा के लोगों ने फ्रेंच भाषा के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया, किसमें, केंद्र सरकार में, तो उन्होंने भी इनको प्रतिनिधित्व दिया ब्रुसेल्स की सरकार में। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की
की सरकार भी काम करती है, जिसे हम सामुदायिक सरकार बोलते हैं। सामुदायिक सरकार जिसमें जो है डच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले और जर्मनी भाषा बोलने वाले, इन तीनों प्रकार के समुदाय ने अपनी अपनी एक समुदाय सरकार बना रखी थी। इन समुदाय सरकार में वोट डालने का अधिकार केवल उसी भाषा के व्यक्ति को होता था जो उस समुदाय से संबंधित होता होता था। यानी कि जैसे डच समुदाय की सरकार बनाई जाएगी तो उसमें केवल डच व्यक्ति ही वोट डाल सकता था। जिस प्रकार जैसे कि फ्रेंच भाषा की कोई सामुदायिक सरकार बनती तो उसमें सिर्फ केवल फ्रेंच भाषा का व्यक्ति ही वोट डाल सकता। इसी प्रकार से जो जर्मनी सरकारी समुदाय था, जर्मनी सामुदायिक सरकार बनी थी उसमें केवल जर्मनी भाषा बोलने वाला व्यक्ति ही वोट डाल सकता था। अब जो सामुदायिक सरकार थी, इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार भी दिया गया था। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जातियाँ थी, विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग थे। निश्चित रूप से ये जटिल भी है, खुद बेल्जियम के लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। यह व्यवस्था बेहद सफल रही। कौन सी? कि जो सत्ता में साझेदारी दी गई किसको? डच वालों ने फ्रेंच वालों को दी और फ्रेंच वालों ने डच वालों को दी। कहाँ पर? डच वालों ने तो दी थी केंद्र स्तर पर फ्रेंच वालों को, और फ्रेंच वालों ने दी थी कहाँ पर? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अभी क्या कह रहा है कि यह व्यवस्था काफ़ी सफल रही। इससे देश में क्या नहीं हुआ, गृह युद्ध की जो शंका थी या आशंका थी वो गांव के बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। बेल्जियम को भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बंटने से रोक लिया गया। अब जो बेल्जियम था उसमें शांति व्यवस्था थी, और इसी वजह से जो ब्रुसेल्स था वहाँ की राजधानी उसमें भी शांति व्यवस्था थी। और ब्रुसेल्स में शांति व्यवस्था होने के कारण जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी कहाँ बनाया गया? ब्रुसेल्स में बनाया गया। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है। कौन सा? बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी देखा गया कि कहीं पर जो सत्ता में भागीदारी लोगों को दी जाती है और कहीं पर सत्ता में भागीदारी लोगों को नहीं दी गई। जहाँ पर सत्ता में भागीदारी लोगों को नहीं दी गई वहाँ पर जो है गृह युद्ध छिड़ जाता है, जबकि जहाँ पर सत्ता में भागीदारी दी गई वहाँ पर जो है देश में शांति व्यवस्था बनी रहती है। आगे देखते हैं। फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है, और इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक इसका उल्टा होता है, उन्होंने एक उल्टा ही रास्ता अपनाया था, जिससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करते हैं तो देश को एक संकट का सामना करना पड़ता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो पैराग्राफ है आपको समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।